जनपद संभल के चंदौसी में नगर पालिका परिषद और यातायात पुलिस ने सड़क किनारे दुकान चलाने वाले वेंडरों से बैंडिंग जोन में दुकान लगाने की अपील की। जनपद संभल के चंदौसी में स्टेशन रोड पर सड़क किनारे दुकान लगाकर कुछ वेंडर अपना सामान बेचते हैं, जिससे वहां आए दिन जाम की स्थिति रहती है, जिससे शहर की जनता को निजात दिलाने के लिए नगर पालिका परिषद ने जलकल कार्यालय के सामने बैंडिंग जोन तैयार किया है, जिसमें सभी वेंडर अपनी दुकानें व ठेले लगाएंगे। इसी को लेकर आज नगर पालिका परिषद और यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर सभी स्ट्रीट वेंडरों को बैंडिंग जोन में दुकान लगाने के लिए कहा। इस विषय में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजकुमार ने बताया कि शहर की जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए एक बैंडिंग जोन तैयार किया गया है, जिसमें सभी वेंडर अपनी दुकानें लगाएंगे। हमने जो है ये पूरा जो है नो बैंडिंग जोन है, और बैंडिंग जोन के रूप में जलकल के जस्ट बगल में हमने चिन्हित कर रखा था, जिसमें ठेले, खुमचे और रेहड़ी जो पट्टी पर लगाते हैं उनके लिए, और इनसे कई राउंड वार्ता भी हुई थी, जिसमें इनके द्वारा भी कहा गया था कि दीपावली के बाद हम चले जाएंगे। और फव्वारा चौराहा से लगा के भगत सिंह की मूर्ति तक काफ़ी जो है एक तरह से कह लीजिए कि जाम की स्थिति बनी रहती थी, तो जाम से निजात देने के लिए शहर के लिए और ये ठेलों वालों के लिए खाने पीने की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए हमने एक फूड जोन बनाया। वहीं पर सभी को शिफ्ट करने के लिए आज से योजना शुरू हुई है। साथ ही साथ कल से जो है वन वे ई रिक्शा जो चल रहा है, उसका भी जगह जगह चौराहों पे जो है फ्लैक्सी लगा दिया जाएगा, जिससे लोगों को और रिक्शे वालों को भी पता रहे कि किधर से वन वे चल रहा है। अभी तो देखिए ऐसा है, आज तो फौरी तौर पे हमने जो है सिर्फ जो रोड पे दुकानें लगा रखे थी ठेले और इस तरह के, इनको हटाया है और उन पे भी कार्रवाई होगी। और ये समझिए हर सोमवार से अतिक्रमण अभियान स्थायी रूप से जो मतलब कर रखे हैं उसके लिए हटाने की व्यवस्था। इसमें नई जगह पे एक तो ये है कि हमने पूरा फूड जोन बना के दिया है, और साथ ही साथ जो है जो कपड़े और इस तरह के गर्म कपड़े के लिए उधर एक अलग सुविधा दिया, और लाइट की प्रॉपर व्यवस्था दे रखी गई है, सुरक्षा का कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे यूरिनल हमने बना के रखा है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिनसे जो है उनको भी एक अच्छा माहौल मिला। ठेला वालों से मेरा ये कहना है कि देखिए आपका रोजगार अच्छे से चले, इसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमने जो है लगभग 624 लोगों को लोन भी डिसबर्स कराया है, साथ साथ जो है लगभग 2200 से ऊपर ऑनलाइन लोन प्रोसेस में भी है। मैं इनसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि खाने पीने के साथ साथ गंदगी ना हो, इसका विशेष ध्यान दें। हमने डस्टबिन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रखा है, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालें, हमारी डोर टू डोर गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो उठा के ले जाएँ।